नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिनाइल डॉपलर टेस्ट की। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, आपके प्राइवेट पार्ट में तनाव की कमी रहती है और आपको उसके कारण का पता नहीं लग पा रहा है, तो इस टेस्ट के द्वारा हम क्लियरली ये पता लगा सकते हैं कि आखिर कारण क्या है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे गए उन 4 प्रश्नों के उत्तर दूंगा। सबसे पहला प्रश्न है कि पिनाइल डॉपलर टेस्ट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि पिनाइल डॉपलर टेस्ट क्यों कराना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि पिनाइल डॉपलर टेस्ट कराने में कितना खर्चा आता है। और चौथा क्वेश्चन ये है कि आखिर हम पिनाइल डॉपलर टेस्ट कहाँ कराएं, ये सुविधा कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन हम लेंगे कि पिनाइल डॉपलर टेस्ट क्यों कराना चाहिए। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे प्राइवेट पार्ट के इरेक्शन में कमी आती जाती है, और जब आदमी 60 प्लस हो जाता है तब उसके प्राइवेट पार्ट का इरेक्शन बिल्कुल डाउन हो जाता है। दोस्तों, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरा, जिन लोगों को डायबिटीज है और उनकी उम्र 40 प्लस हो गई है, तो उनको भी इरेक्शन में कमी महसूस होने लगती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी उम्र भी 30 के आसपास होती है, या कई बार तो 30 से भी कम 25 वर्ष के जो लड़के होते हैं उनके अंदर इरेक्शन की कमी आ जाती है। तो इतनी कम उम्र में इरेक्शन की कमी क्यों आ रही है, किस कारण से आ रही है, इसी को श्योर करने के लिए पिनाइल डॉपलर टेस्ट किया जाता है। पिनाइल डॉपलर टेस्ट के द्वारा डॉक्टर ये देख पाते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट के अंदर, उनकी नसों के अंदर क्या प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, पिनाइल डॉपलर टेस्ट कैसे होता है। दोस्तों, पिनाइल डॉपलर टेस्ट एक तरह का अल्ट्रासाउंड है जो आपके प्राइवेट पार्ट का किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपके प्राइवेट पार्ट में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की दवाई आपके शिश्न के अंदर इंजेक्ट की जाती है। उसके बाद डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा आपके प्राइवेट पार्ट की नसों की जांच करता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हमारे प्राइवेट पार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो आर्टरी के थ्रू आता है, और जो जाता है वो वेंस के थ्रू जाता है। तो 2 बड़े कारण हैं प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन ना आने के। या तो आपकी आर्टरी के अंदर कोई गांठ बन गई है, आर्टरी के अंदर कोई क्लोट्स बन गई है जिस कारण से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर आपकी वेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वेंस की वाल्व खराब हो गई है। क्योंकि दोस्तों, युवा अवस्था में अगर आपको तनाव ठीक से नहीं आ रहा है, तो इसके 2 ही ये सबसे बड़े कारण होते हैं। तो इस टेस्ट के द्वारा हम क्लियरली ये पता लगा सकते हैं कि आपको आखिर प्रॉब्लम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, पिनाइल डॉपलर टेस्ट कहाँ कराना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर एक शहर के अंदर अल्ट्रासाउंड सेंटर खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर ये टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इस टेस्ट को करने के लिए एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। केवल यूरोलॉजिस्ट ही इस टेस्ट को ठीक से कर पाता है। तो अगर आपके शहर में कोई यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, आप उसके पास जाकर ये टेस्ट करा सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है ये जो अल्ट्रासाउंड वाले हैं, इनके पास अगर आप जाओ तो ये हो सकता है ये बोलें कि हम ये टेस्ट कर देंगे, लेकिन मेरा यही सुझाव है कि वहां पर आप ये टेस्ट मत कराओ, क्योंकि इस टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसे एक यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ही तैयार कर पाता है। प्रश्न नंबर 4, इस टेस्ट में कितना खर्चा आएगा। दोस्तों, जहां तक खर्चे की बात है, तो अलग अलग शहरों में अलग अलग चार्जेज हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे दिल्ली के अंदर इसका चार्ज 4,500 रुपये है, ऐसे ही दूसरे कई शहरों में 4,000 रुपये में भी ये टेस्ट हो जाता है। तो आप देख लें, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि सबसे अच्छे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कौन हैं, तो आप उनसे मिलिए, ये टेस्ट कराइए, लगभग 4,000 या 4,500 रुपये में आसानी से हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप अपनी इस प्रॉब्लम का होम्योपैथिक इलाज कराना चाहते हैं, तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आप अपने नज़दीक के किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे किसी प्रकार की सलाह चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज के बारे में आप कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करके जाएं। मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।